What's up everyone? Welcome back to the channel. तो so guys, हम लोग आ चुके हैं लास्ट डेज ऑफ एग्जाम में जहां पे हमारा एग्जाम बहुत करीब है एंड मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने काफी कुछ तैयार भी कर लिया होगा बट आज जिस चीज पे हम डिस्कशन करेंगे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी एग्जाम का दैट इज हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर्स आज मैं आप लोग को सी के लेटेस्ट जो सैंपल पेपर सी ने दिया है उसको ब्रेक डाउन करूंगा उसके सारे सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो बताता हूँ और कैसे आपको प्रेजेंट करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा इससे आपका प्रेपरेशन और बूस्टअप हो जाएगा एंड पाँच से दस नंबर कम से कम आपके इंक्रीज हो जाएंगे तो अगर आपके फिफ्टी टू सिक्सटी आ रहे थे अभी सिक्सटी टू सेवेंटीज पक्के हैं अगर आपके थर्टी टू फोर्टी आ रहे थे अभी फोर्टी टू फिफ्टीज पक्के हैं तो दस नंबर का फर्क तो आएगा अगर आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करी है तो सर कैसे करनी है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं जाओ कॉपी पेन लेके आओ सब कुछ लिखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है चलिए जल्दी से लेट्स बिगैन जी स्टार्ट करते हैं बेटा जी हम लोग प्रेजेंटेशन टिप्स में कुछ सेक्शन जो मैंने ब्रेक डाउन करे हैं हमारे सैंपल पेपर में से तो सैंपल पेपर में आप देखोगे कि आपको पांच सेक्शंस देखने को मिलेंगे सबसे पहला सेक्शन बाबू वन मार्कर्स का है जिसके अंदर आपको 18 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं सैंपल पेपर में ठीक है तो 18 क्वेश्चंस हमारे पास वन मार्कर्स हैं अब वन मार्कर्स में सर कौन कौन से तरीके के सवाल हैं देखो जो लेवल ऑफ वन मार्कर्स है वो काफी इजी है अगर आपने मेरी सारी वीडियोस बहुत ध्यान से देखी हैं समझी हैं तो आपको किसी भी वन मार्कर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आप बहुत ही इजीली सारे के सारे वन मार्कर्स कर पाओगे बस उसमें आपको यह समझना है कि वो अलग अलग तरीके से पूछ रहा है ठीक है तो सबसे पहले रीजन असर्शन आपसे पूछ रहा है ठीक है उसके बाद आपको पिक्चर्स दे रहा है मेनली आसन की दे रहा है ओके स्पोर्ट्स इंजरी की दे सकता है कि इंजरी देख के आपको बोलेगा पहचानो टेस्ट की दे सकता है कि कोई टेस्ट हो रहा है पहचानो कि यह सीनियर सिटीजन का कौन सा टेस्ट है इस तरीके से हो सकता है तो मेनली पिक्चर्स बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स एफ आई इन द ब्लैंक्स में बेसिक आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रेंथ का एक टाइप ये है दूसरा बताओ कौन सा है है ना फ्रिक्शन के बारे में पूछ लेगा किसी आसन के बारे में पूछ देगा फिल इन द ब्लैंक्स की बताओ क्या ये आसन कौन कौन सी डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प करता है क्या ये ओबेसिटी में आएगा हाइपर में आएगा किस में आएगा ऐसे पूछ सकता है तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है एमसीक्यू जनरल पूछ सकता है चार ऑप्शन वाला है ना और मैचिंग वाले आए हुए हैं तो वन मार्कर्स में आपको वीडियोस बहुत ध्यान से देखनी है अगर आपने सारी वीडियोस बहुत ध्यान से देखी हैं अपनी बुक की रीडिंग एक बार लगाई है या नहीं भी लगाई नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो भी आपके सारे के सारे वन मार्कर्स डन हो जाएंगे तो सेक्शन ए तो आपका इस तरीके से है सेक्शन बी से अब चीजें शुरू होती हैं बच्चों टू मार्कर्स की तो टू मार्कर्स में क्वेश्चन नंबर 19 से 24 आपको छः क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें आपको कोई भी पांच क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं अब इसमें सर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा इसके अंदर दो तरीके के क्वेश्चन है एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है और एक आया हुआ है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस नोट लिखने के लिए आ गया सही है तो नोट को ध्यान रखना आप किस तरीके से लिखोगे अगर आपको कोई नोट लिखना है तो उसको प्रॉपर पैराग्राफिक फॉर्म में आपको लिखना है अगर बेटा नोट आया है ना तो नोट के अलग अलग बुलेट पॉइंट्स मत बनाना नोट को प्रॉपर पैराग्राफिक फॉर्म में ही प्रेजेंट करके आना ठीक है कि अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे शॉर्ट नोट लिखने को आया तो उसके बारे में लिखो ठीक है एंड राइट एज मच एज यू कैन जितना आप लिख सकते हो देखो फिजिकल एजुकेशन में नंबर मिलेंगे कॉपी भरने से ठीक है ये आपके नॉर्मल किसी भी एग्जाम के तरीके से नहीं है कि आप बेसिक्स बस टू द पॉइंट लिखो आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया दैट इज इट इसके अंदर आपको थोड़ा सा भरना पड़ेगा इसके अंदर आपको कॉपी फिल करनी पड़ेगी जब तक आप कॉपी फिल नहीं करोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बहुत अच्छे तो इसके अंदर आपको टॉपिक के बारे में जो भी बताए लिख डालना ठीक है जितना भी जानते हो लिख डालना तो आपको शॉर्ट नोट अगर आए तो प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म में आपको प्रेजेंट करके आना है सही है ठीक है उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन सपोज दो नंबर का आया हुआ है तो दो नंबर में आप तीन पॉइंट्स लिख दो ओके okay, दो में दो भी लिखोगे चलेगा लेकिन कोशिश करो कि आप एक, एक एक्स्ट्रा लिख के आओ तीन नंबर का है तो तीन पॉइंट तो नॉर्मली बनते हैं एक एक्स्ट्रा लिख दो पॉइंट्स पॉइंट्स कराओ नंबर का है तो चार बनते हैं आप एक, एक एक्स्ट्रा लिखाओ पांच पॉइंट्स कराओ तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करके आना है सही है उसके बाद थ्री मार्कर्स आ जाएंगे सेक्शन सी में थ्री मार्कर्स में बच्चों क्या करना है ट्वेंटी से थर्टी एनी फाइव आपको अटेम्प्ट करने हैं फिर से छह में से पांच

वो डिफरेंस पूरा टी फॉर्म में बना के आना है ओके बिना टी फॉर्म के डिफरेंस नहीं लिख के आना तो डिफरेंसेस पूछ पूछ सकता है, पूछ सकता है 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 रोल रोल जैसे अलग अलग कमिटीज कमिटीज के के क्या क्या रोल्स हो सकते हैं तो नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट रहता वेरियस लिए समझो ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा तो कमिटीज के रोल्स आपको पता होने चाहिए ओके चार नंबर में क्या आया हुआ है सर अब चार नंबर में बेटा थर्टी से थर्टी इंटरनल चॉइस इसके अंदर केस स्टडीज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कोई पूरा का पूरा चार्ट बना के दे देगा उसके बाद उसके अंदर से चार क्वेश्चन दे देगा एक नंबर के कि इसको डिफाइन कर दो या इसको मैच कर दो तो चार केस स्टडीज में भी कोई बहुत मुश्किल केस स्टडी या बहुत मुश्किल केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं होता बहुत साधारण साधारण से सवाल है अगर आपने सैम्पल पेपर उठाया होगा तो आपने देखा होगा बड़ा आसान सा कमिटी पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है है ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं तो चार नंबर के क्वेश्चन में आप समझो अगर आपका फोर मार्क का क्वेश्चन है तो फोर मार्क के क्वेश्चन में आपको क्या करना है ठीक है लेट सपोज आपको क्वेश्चन आया चार नंबर के कि डिफाइन करो फ्रिक्शन एंड इट्स टाइप्स ठीक है फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स या ऐसे आ गया डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स एंड इट्स टाइप्स ओके तो आप सबसे पहले क्या करोगे आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे विद मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन आपने ऐसे हेडिंग डाल दी मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन आंसर मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन ठीक है और उसके बाद आप इसको ऐसे अंडरलाइन करोगे इनवर्टेड कॉमास में करोगे उसके बाद फिर यहां से पूरा डिफाइन करोगे कि फ्रिक्शन क्या है उसके बारे में पांच से छह लाइन लिख दो सपोज आपको छोटी छोटी दो पॉइंट बनाने हैं तो एक ये बना दिया एक और बना दिया ठीक है तीन नंबर में ये बना तीन पॉइंट में ये बना दिया लो जी तो आपने सबसे पहले फ्रिक्शन को डिफाइन कर दिया ठीक है इसको डिफाइन करने के बाद फिर आप एक फ्लो चार्ट बना दो अब आप यहाँ पे लिखो फ्रिक्शन ठीक है अब उसके जो भी टाइप्स आप बनाना चाहते हो ठीक है आप आप दो टाइप्स बना रहे हो, तो आप इस तरीके से पहला वाला यहाँ पे लिख दो कि स्टेटिक फ्रिक्शन होता है फिर आप यहाँ पे लिख दो डायनामिक फ्रिक्शन होता है इस तरीके से आपने एक फ्लो चार्ट बना दिया ठीक है उसके बाद फिर आपको क्या करना है उसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग डालो बड़ा बड़ा स्टेटिक फ्रिक्शन इस तरीके से उसके बाद फिर इसके बारे में लिख दो अच्छे तरीके से इसमें भी कोशिश करो कि आप आ, दो सब हेडिंग्स आपकी इस तरीके से बन जाए या सब पॉइंट्स आपके इस तरीके से बन जाए फिर आप डायनेमिक लिखो उसके बारे में लिख दो ठीक है मतलब आप थोड़ा सा प्रेजेंटेशन टेक्निक देखो एक तो नीट एंड क्लीन लगोगे ठीक है अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा खराब है तो आप स्पेस छोड़ छोड़ के लिखो एक प्रॉपर टीचर को समझ में आना चाहिए कि तुम क्या लिखना चाह रहे हो सही है तो प्रेजेंटेशन ट्रिक्स जो है ना उसके अंदर आपको सबसे पहले हर कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर देना है अगर वो नहीं भी बोल रहा ना तब भी डिफाइन कर दो ओके okay? जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन का कोई एक लॉ आपको आ गया ठीक है कि लॉ ऑफ इनर्शिया आ गया चलो भाई इनर्शिया बता दो राइट right? तो एक्सेलरेशन आ गया तो अब आप क्या बताओगे उसके अंदर है ना तो एक्सेलरेशन में आपको बड़े ध्यान से पहले आप न्यूटन के बारे में बता दो कि भैया न्यूटन ये हैं इन्होंने इतने लॉज दिए हैं स्पोर्ट्स में इनका ये कंट्रीब्यूशन है तीन लॉज हैं हम एक को डिफाइन कर रहे हैं सही है या नहीं है तो इस तरीके से आप लोगों को प्रॉपर लिखना आना चाहिए कि पहले कॉन्सेप्ट को लिखो फिर फ्लो चार्ट बनाओ फिर उसके पॉइंट्स किस तरीके से बनाने हैं ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों इसके बिना मजा नहीं आएगा ओके चलो भाई ये भी समझ गए सर उसके बाद सर पांच मार्क में पांच मार्क में बेटा बड़ा ही क्वेश्चन आना है कोई भी तीन आप कर सकते हो इसके अंदर आपसे प्रोसीजर पूछ सकता है कि कोई आसन परफॉर्म करने का प्रोसीजर बता दो है ना या फिर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जो जो कमिटीज लगती हैं उन कमिटीज के क्या क्या रोल्स हैं वो पूछ सकता है ठीक है तो इस तरीके से बड़ा क्वेश्चन ही आ रहा है तो बड़े क्वेश्चन में तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से पता होने चाहिए और आपको उनको जितना हो सके अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है राइट right? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तो है हाँ मैंने सारी चीजें आपको सेक्शन वाइज बता दी एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हो तो जितना हो सके अच्छे से फ्लो चार्ट बना देना एटलीस्ट फोर और फाइव मार्कर्स में फ्लो चार्ट जरूर बनाना जो आपका नोट वाले क्वेश्चन आएंगे उसको प्रॉपर पैराग्राफिक फॉर्म में लिखना जो आपके सिंपल क्वेश्चंस आएंगे थ्री मार्कर्स फोर मार्कर्स उनको आप पॉइंट्स बना के लिखना और कोई भी हाँ जितने हो सके राइट डाउन एग्जांपल्स, जितना हो सके एग्जांपल्स लिख के आना एग्जांपल्स मत भूलना किसी भी चीज के सपोज एग्रेशन का कॉन्सेप्ट आ गया तो हॉस्टाइल के अलग एग्जाम्पल्स लिख दो आप लोग है ना हर एग्रेशन के आप अलग अलग एग्जाम्पल्स जो हो सके एक एग्जाम्पल लिख के आना जहां पे हो सके आपको स्टिक डायग्राम बनाना है वहां पे स्टिक डायग्राम बना के आना जब आप इस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन पूरा रखोगे ना बच्चों तो आपके बड़े आराम से 70 ऑन 70 आ जाएंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर करने के लिए राइट तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर वेल दिस इज हाउ यू प्रेजेंट वेल एंड दिस इज हाउ यू स्कोर वेल ऑल राइट आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा और आप एग्जाम में फोड़ के आओगे माई बेस्ट विशेष फॉर यू ऑल प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है उसका पूरा यूटिलाइजेशन करो अच्छे तरीके से पढ़ाई करो और मैक्सिमम स्कोर करके आना जब एग्जाम हो जाएगा तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताना कि पेपर कैसा हुआ ऑल द वेरी बेस्ट आई एम गोना सी ऑल सुपर सून टिल देन सी टेक केयर बाय बाय